राजसमंद में पहले ही इतने भारतीय जनता पार्टी की इतनी खींचतान चल रही है कि अब लोगों को लगेगा ये और नया नाम कहाँ से आ गया है। हमारा भी क्या लेवल है क्या वो पता नहीं, पानी हम कितने पानी में वो भी पता पड़ जाएगा। तो आप वहाँ धमकी भी देते लोग दिखाई दिए वहाँ की, बहुत भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। राजनीति जन सेवा है ना कि कोई व्यवसाय है। तो अब ये सारे लोग जुट गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अब आपकी मुहिम वापस शुरू हो जाएगी। वो भजन गायकी की इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें तो क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। किसी विशेष पार्टी से लगाव होता है तो कहीं ना कहीं भजन गायक होने के नाते अगर इस प्रकार का एक लगाव होना भी, ये भी अपने आप में गलत नहीं है। राजस्थान में 2 सीट MLA की और 1 सीट सांसद की, हमारे कंधों पर राजनेता सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है तो उनको कुछ कर रहे ही नहीं है तो वो बेधड़क से काम कर रहे हैं। राजनीति और भजन तो अलग अलग हो गए, राजनेताओं का काम है राजनीति कर रहे हैं, आपका काम है कि भाई हम भजन संध्या से लोगों को सम्मोहित करें, तो आप काम कर रहे हैं। अभी अचानक इस पाले में आने की कैसी, इतनी सेवा करूंगा और राजसमंद को ऊंचाइयों तक ले जाने का मेरा बहुत प्रयास रहेगा, ये वादा है। गायक आते हैं बड़े बड़े, उनमें से जैसे आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं राजसमंद से लड़ना चाह रहा हूँ, और कौन कौन है जो कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कि मैं अगर उतरूंगा तो सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए उतरूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। राजनीति अलग चीज है ना, राजनीति में अब क्या आप भजन गायकी करते हैं तो मंच पर रहते हैं, तो वहाँ मंच पर इधर से आप बोल रहे होते हैं उधर लोग सुन रहे होते हैं, एक 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 पूरा माहौल सेट होता है। अगर लेरुदास का आया तो लोगों के मन में भाव आएगा, चलो यार एक भजन गायक है, इसने माँ बाप के लिए बोला, इसने परिवारों के लिए बोला, हो सकता है इसको इस बार वोट दिया जाए, इसको आगे किया जाए तो ये सेवा करेगा। नमस्कार, जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं अलग अलग जाति वर्ग सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं, मगर ऐसे में एक ऐसा वर्ग अब सामने आया है जिन्होंने अपने लिए पूरे प्रदेश में 2 जगह से अवसर मांगे हैं, और वो जो तमाम चेहरे हैं वो चेहरे बड़े चर्चित चेहरे हैं, हम सभी उन चेहरों से भली भांति उनसे वाकिफ़ है। वो होते हैं बड़े बड़े नामचीन भजन गायक जिनको हम लाखों की संख्या के सामने अपने स्वर बिखेरते, अपने भजन वहाँ तक पहुँचाते, अपनी भावनाएं वहाँ तक पहुँचाते देखते हैं। तो अब वो तमाम लोग जोधपुर में जुटे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस बार हम में से भी 2 लोगों को अवसर दिया जाए, और उसमें से भी उन्होंने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है। और ऐसे में राजसमंद से भी एक ऐसा नाम निकल कर आता है जो जब वो लोग दावेदारी की बात कर रहे थे उन चेहरों के साथ खड़ा था, वो चेहरा जो कुछ समय पहले पोस्टर बैनर के साथ अपनी दावेदारी जता भी चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना लेरुदास जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि सभी भजन गायक कह रहे हैं कि अब हमें भी 2 टिकट दिए जाने चाहिए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम बोलते रहे हैं, इस बार हम टिकट की मांग कर रहे हैं। तो राजनीति और भजन तो अलग अलग हो गए, राजनेताओं का काम है राजनीति कर रहे हैं, आपका काम है कि भाई हम भजन संध्या से लोगों को सम्मोहित करें, तो आप काम कर रहे हैं, अभी अचानक इस पाले में आने की कैसी। सबसे पहले सभी देशवासियों को, राजस्थान वासियों को और राजसमंद वासियों को प्रणाम, जय सियाराम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमेंद्र सिंह जी भाई साहब को कि आपने हमारे इस दिल की आवाज़ को आप अपने इस वीडियो में कैद कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले राजसमंद से दावेदारी का वो किया था, तो किसी ने बोला आप भजन गायक हो, आपको चुनाव से क्या लेना देना। तो मैं दुनिया को ये भी कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ वो भी एक संत हैं, उनको क्या लेना देना राजनीति से। मोदी जी पहले संत बन चुके थे, गुफाओं में गए थे, उनको वापस आने की क्या आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं राजनीति जन सेवा है ना कि कोई व्यवसाय है। हम भजन गायक है, नाम से हमको पूरा हिंदुस्तान जानता है, पैसों का परमात्मा की कृपा से कोई के हो सकता है 2 टाइम की रोटी इज्जत की मिल रही है। तो सबके मन में एक विचार आता है कि हम भी क्यों ना जनता सेवा करें, क्योंकि भजन मंच से हम एक तरह से सेवा करते हैं, माता पिता के बारे में बोलते हैं या अपनी संस्कृति के बारे में बोलते हैं, गौ माता के लिए बोलते हैं, अपने धर्म के लिए बोलते हैं, तो वो बोलना और एक अपने हाथों से करना, क्योंकि ये होता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति में। तो सभी कलाकारों का, राजस्थान के सभी आदरणीय जितने भी टॉप 20 यानी कि सब आगे, जिसमें बड़े बड़े मेरे से सीनियर भी थे, छोटे भी थे, सबकी इच्छा थी कि क्यों ना हम भी इस राजनीति में घुसे और कलाकारों के मन के जो मंच के भाव थे वो वहाँ संसद तक है, लोकसभा तक है, विधानसभा तक ले जाएं, और सेवा के भाव से इस राजनीति में उतरने के भाव से सब ने ये बीड़ा उठाया कि इस बार राजस्थान में 2 सीट MLA की और 1 सीट सांसद की हानि चाहिए। क्यों, इसका भी कारण मैं आपको बता दूं कि हम जब कार्यक्रम करते हैं तो सामने जैसे प्रकाश जी मौलिया आए, छोटू सिंह जी रावणा आए, लेरुदास वैष्णव आया, मोइनुद्दीन मनचला जी आए या कोई भी आए,
तो उनके नाम से 50,000 ऑडियंस आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन कलाकारों की वजह से आती है। फिर उसमें राजनीति के कुछ आते हैं राजनेता और वो 5 मिनट अपना वक्तव्य करते हैं, तो उसके बाद वो चले जाते, तो फिर अगर वो उनसे आई होती तो पब्लिक वहाँ से वापस गायब हो जाती है। आपको लग रहा है कि मतलब कार्यक्रम हमारा होता है, नाम हमारा होता है, कारण हम होते हैं, हाँ। और हमारे कंधों पर राजनेता सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर भजन गायकों को इतना प्यार भजनों से दे रहे हैं, तो क्यों ना भजन गायकों की इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, तो क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। इसमें मैंने आपका जो वीडियो देखा था उसमें एक बात ये भी निकल के आई थी कि हम लोग गौ माता की संस्कृति की उसमें संस्कारों की बात करते हैं, और ये सभी लोग पार्टियों के लोग भी कहते हैं कि हाँ हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, मगर जीत के फिर भूल जाते हैं, तो अब हमको ही मैदान में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने देखा उसमें। बिल्कुल सही बात है, मंचों पर बातें होती है, आज राजनेता चाहे जो कर सकता है, हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ मंच से बोल सकते हैं, बाकी एक्शन लेना उनके हाथ में, वो चाहे तो कर सकते हैं। तो एक भजन गायक अगर जो मंच से कड़वी बात बोल के एक अच्छा संस्कृति का बताता है, वो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो संसद में चला जाए, नाम की कोई कमी नहीं है उनके पास, कोई पैसों की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, तो वो जाएगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा अपने हिंदुस्तान का, अपने जितने भी चाहने वालों का या अपने क्षेत्र का, वो फ़ायदा ही करेगा ना कि नुकसान करेगा, क्योंकि उसको ना तो पेट भरना है, ना उसको नाम करना है, ना ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है तो उनको कुछ करना ही नहीं है तो वो बेधड़क से काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उनको कुछ करना ही नहीं तो बेधड़क से काम कर रहे हैं, इसी प्रकार एक भजन कलाकार अगर जाएगा तो संस्कृति को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। आपका अलग ही, ये जो पूरी मीटिंग हुई है ये तो अभी हाल ही में हुई है, मगर आपका फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी पहले वायरल हो गया था, जिसमें आप कमल के फूल के साथ 175 लिखकर दावेदारी कर रहे थे, तो उसके बाद हालांकि थोड़ी शांति हो गई थी, मगर उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि लेरुदास जी को ये कैसे जज गई है, तो अब ये सारे लोग जुट गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब आपकी मुहिम वापस शुरू हो जाएगी वो? ऐसा है कि सबने बोला कि आप इसे ठंडे कैसे पड़ गए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ठंडा नहीं, देखो मैं अगर मेरी विधानसभा में बात बोलूँ तो अगर उधर अपना कुंडिया गांव है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा तो लोग बोलेगा कि ये भजन गायक लेरुदास है, छोटा से छोटा बच्चा जाने का, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो और यूँ करना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी भी बोल रहा हूँ और मुझे पर्सनली जानने वाले सब जानते हैं कि मैं अगर उतरूँगा तो सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए उतरूंगा, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। बालाजी की खूब कृपा है मेरे ऊपर, मेरे भाइयों का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद है, ये वादा रहा। वो टिकट मिलना अलग बात है, अगर राजसमंद से मुझे अगर टिकट मिलता है तो राजस्थान की सबसे बड़ी जीत राजसमंद की होगी, सबसे बड़ी जीत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे व्यवहार पर पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पर राजनीति अलग चीज़ है ना, राजनीति में अब क्या, आप भजन गायकी करते हैं तो मंच पर रहते हैं, तो वहाँ मंच पर इधर से आप बोल रहे होते हैं, उधर लोग सुन रहे होते हैं, एक 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 पूरा माहौल सेट होता है। अब इसमें तो सामने दूसरे दावेदार भी आएंगे, कांग्रेस भी आएगी, RLP भी आएगी, सबसे लड़ना पड़ेगा ना। हाँ देखो, विचारों की लड़ाई होती है, बाकी सब आपस में प्रेम करते हैं। अब जैसे मेरे मित्र भी है जो कांग्रेस में है, मेरे मित्र भी है जो RLP में है, मगर व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अच्छे कोई व्यक्ति आ गए तो उसको वो उस पार्टी में तो उनके साथ जुड़ना है, अगर लेरुदास का आया तो लोगों के मन में भाव आएगा, चलो यार एक भजन गायक है, इसने माँ बाप के लिए बोला, इसने परिवारों के लिए बोला, हो सकता है इसको इस बार वोट दिया जाए, इसको आगे किया जाए, तो ये सेवा करेगा। कभी कभी भगवान का भजन वहाँ पर भी काम आता है, क्योंकि हम भजन करते हैं ठीक है, वो होता है, पर भजन कर रहे हैं, भजन का पुण्य कहीं ना कहीं मिलता है, ये मुझे विश्वास है। ये आपको विश्वास है, भजनों के साथ आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि राजसमंद में पहले ही इतने भारतीय जनता पार्टी की इतनी खींचतान चल रही है कि अब लोगों को लगेगा कि ये और नया नाम कहाँ से आ गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजसमंद में सभी अच्छे हैं और अच्छे दावेदार हैं जिनका लेवल है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही, मेरे मन में एक भाव था कि मैं भी सेवा करूं, क्योंकि मैं मंच पे सेवा कर सकता हूं भजनों की और भजनों से संदेश दे सकता हूं, मगर मेरी दिल की इच्छा है अगर लेरुदास वैष्णव को यहां से चुना जाता है तो मैं राजसमंद की जनता का इतना आदर भाव, इतनी सेवा करूंगा और राजसमंद को ऊंचाइयों तक ले जाने का मेरा बहुत प्रयास रहेगा, ये वादा है। एक जो वीडियो देखा उसमें एक बात ये भी निकल के आई थी कि आप लोग कह रहे थे कि अगर हम में से दो लोगों को अवसर नहीं दिया गया तो आप वहाँ धमकी भी देते, लोग दिखाई दिए वहाँ की, बहुत भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, तो ये धमकी कितनी, मतलब वहाँ वीडियो के लिए थी या वास्तविक धमकी थी? देखिए, वो एक राजस्थान के सभी कलाकारों का संगठन था, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे राजस्थान के सब आदरणीय अग्रणीय सभी थे और सब ज्ञानी होते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि अगर, क्योंकि
इतने वर्षों से भजन गा रहे हैं और किसी न किसी एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट होता है, कलाकार हमेशा वही करता है, कलाकार हो या आप जैसे कवि हो, कहीं ना कहीं एक पार्टी को ज़्यादा करता है, तो उनकी इच्छा है कि हम जब आपका इतना सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना हमारे अंदर से भी कुछ एक दो जनों को आप अपने पास बिठाओ और अपनी व्यक्ति अगर नहीं बिठाते हैं तो सबकी राय हमारी नहीं है कि वो वास्तव में हर जगह से एक कलाकार अगर खड़ा आप, आप ये कह रहे हैं कि एक किसी विशेष पार्टी से लगाव होता है तो कहीं ना कहीं भजन गायक होने के नाते अगर इस प्रकार का एक लगाव होना भी ये भी अपने आप में गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो गौ माता की बातें करते हैं, हमारे सनातन की बात, क्योंकि हम तो सनातन, हम भजन गायक हैं और भजन गायक हमेशा सनातन संस्कृति की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं सबको लगता होगा कि सनातन संस्कृति की जो बात करता है उसकी तरफ ज़्यादा उनका मूड रहता है, इसलिए सभी कलाकार उस तरफ। मतलब आपका झुकाव राजनीतिक झुकाव नहीं होता है, मगर क्योंकि विचार उनकी भी एक बीजेपी की आइडियोलॉजी और आपके भजन और वो सब आइडियोलॉजी मिल जाती है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है तो अब हम राम जी को गाते हैं, तो एक वो बात हो गई कि राम जी को उन्होंने मंदिर बन रहा है तो अब कौन बना रहा है, तो वो कलाकार उनके लिए गाएगा, वो पार्टी से नहीं जुड़ा होता है, पर कहीं ना कहीं वो जाता है, इशारा उधर ही जाता है। नहीं, पर फिर आप अगर यूँ कह रहे हैं कि इनको हम अगर हमको अवसर नहीं दिया तो इनको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान आपके विचारधारा को भी तो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं हम राम जी को गाते हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं, कल आप उन्हीं का विरोध करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा का भी नुकसान ही है। नहीं, विरोध उनका नहीं करेंगे, हम बताएंगे, हो सकता है हमारा भी क्या लेवल है, पता नहीं हम कितने पानी में, वो भी पता पड़ जाएगा। और देखो, हर कलाकार के चाहने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर पार्टी कौन है क्या है वो सब संगठन तय करेगा, मुझे नहीं पता, मैं तो छोटा हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े भी हैं। आपके अलावा और कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं, जो भजन गायक आते हैं बड़े बड़े, उनमें से जैसे आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं राजसमंद से लड़ना चाह रहा हूँ, और कौन कौन है जो कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हमारे आदरणीय बालोत्रा पचपदरा से प्रकाश जी माली हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोइनुद्दीन जी मंचला साहब, जो भजनों के सम्राट कहे जाते हैं, जिनके नाम से लाखों पब्लिक राजसमंद में भी आती है। छोटू सिंह जी भाई रावणा और जालोर की धरती से जोग भारती जी, इन पांचों का तो पूरा मत है कि हम अगर आपकी सेवा कर पाएँ तो अच्छी बात है, बाकी और मुझे नहीं पता। बाकी पांच नाम छह नाम तो है ही है, गजेंद्र भाई राव है, पांच छह नाम। अभी आप पांच छह लोग हो गए, आप दो टिकट मांग रहे हैं, कल को आप में ही लड़ाई नहीं हो जाएगी, ये दो कौन रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो पहले संगठन ने तय कर लिया कि कोई भी पार्टी अगर दो जनों को देगी तो सब मानेंगे और सब हम उनके साथ रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखा आपने, बड़ी बेबाकी से, हालांकि भजन गायक हैं मगर राजनीतिक सवालों के बड़ी बेबाकी के जवाब दिए, और जो विषय चल रहा है कि किस प्रकार से भजन गायक भी अपने लिए दो स्थानों से अवसर मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अवसर मांग रहे हैं, तो उस अवसर की तलाश में कोशिश लगातार की जा रही है, और कोशिश के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो मंच से हम बातें करते रहे हैं, जो मंच से हम दावे और वादे करते रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति के मैदान में उतर कर उन दावों और वादों को धरातल पर लाने की कवायद हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हमको ये अवसर दिया जाए। तो ये हमारे साथ थे लहरुदास जी, जिन्होंने बड़ी खुलकर और बेबाकी से अपनी सारी बातें कहीं। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से इस राजनीति के समर में तमाम आवाज़ें आप तक पहुंचाते रहे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।